happier and enhance the joy, I would be glad to request Honorable Chairman of School Committee, Mr. Dheeraj Keskar sir, to welcome MD and CEO of WIL, our chief guest, Honorable Sri G.K. Pillai sir, by presenting a bouquet as a token of love and respect. Sir, please. Now, let's have the pleasure of listening the words of knowledge and wisdom and to get an influential message from chief guest of today's function, Sri G.K. Pillai sir. Sir, may I call you for sharing your profound knowledge with us? Sir, please. Good evening to everybody. Mr. Shirsagar, the principal of Bharat Children's Academy, my colleague A.C. Nagarkar, the general manager HR and ER, it's better everybody should see. वहाँ पे स्क्रीन भी है, पता नहीं इधर स्क्रीन है कि नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है. स्क्रीन है इधर? स्क्रीन नहीं है ना, तो इट इज बेटर आई शिफ्ट इट हियर. नगरकर धीरज केसकर, द चेयरमैन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अदर टीचर्स ऑफ दिस प्रेस्टीजियस स्कूल, द पेरेंट्स who have come here to witness this annual social of 2018, and the most important, the students of this institution at Balchandnagar, and members of the press, other citizens who have come to witness today's social annual social program. Yeah, English medium, this is an English medium school, so I was a bit hesitant. Should I speak in English or Hindi? But then I thought, आदमी जब communicate करता है तो दूसरों का अगर उसके बारे में कुछ समझ नहीं आए तो communication क्यों? The communication is of no use. So मैंने धीरज से कहा कि भाई दो आई ही आस्क मी विल यू स्पीक इन इंग्लिश. आई सेड ऑब्वियसली आई एम मोर आई वुड लव टू स्पीक इन इंग्लिश, बट देन आई थॉट लेट मी स्पीक इन हिंदी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ समझ में भी आए कि मैं जो कहना चाहता हूँ उनसे. तो मैं आज अपना वक्तव्य हिंदी में देने वाला हूँ. धीरज 3 साल से स्कूल कमेटी के चेयरमैन हैं. मैं बालचंद नगर में आए हुए मुझे अभी करीब 6.5 साल हो गए हैं, और मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल से हर साल इस एनुअल सोशल में मैं आता हूँ, यहाँ पर आकर आप लोगों से बात करता हूँ. तो मुझे लग रहा था कि शायद जिस आदमी को सुनते हैं 4-5 साल से, तो लोग भी कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो शायद मुझे डर लग रहा था कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे. तो मैंने धीरज से पूछा, भाई तुम्हारा ये एनुअल सोशल कब है? तो बोले आज 24 तारीख को है, और 24 तारीख को मुझे आने में थोड़ी दुविधा थी. मैं आज रात को 11:30 बजे की फ्लाइट से मैं बाहर जा रहा हूँ पुणे से. तो मुझे लगा कि शायद 24 तारीख इसलिए रखा गया है कि उनको भी बहाना मिल जाए कि कोई नए आदमी को लाकर आज का चीफ गेस्ट बनाए, कुछ नई बातें सुनाए. तो मैं भी कहा हारने वाला था, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, पूरा सामान वामान बांध कर लाया हूँ पुणे से. यहाँ से ये प्रोग्राम के बाद सीधा एयरपोर्ट जाने वाला हूँ. तो भाई और बहनों, दोस्तों, बच्चों, तो एक बार फिर मुझे ये मौका मिला है कि आप सब लोगों के सामने आकर बात करूं और दो शब्द कहूं. ये बात करने की जो बात है,
स्कूल में आने पर, एक्चुअली स्कूल के प्रांगण में आने में एक अलग खुशी महसूस होती है। दो कारण है उसके, एक तो बच्चे होते हैं, बच्चों से मिलने में जो खुशी मिलती है, मेरे साथी बुरा मत मानना, फैक्ट्री में जब हम जाते हैं तो अधिकतर लोग थके होते हैं, अधिकतर लोगों की उम्र 45-50 के ऊपर होती है, तो सब बुजुर्गों से पाला पड़ता है फैक्ट्री के अंदर। जबकि जब स्कूल में आते हैं तो अधिकतर बच्चे होते हैं 12, 14, 15, 16, और टीचर जो होते हैं 25, 30, 35, बहुत कम मिलते हैं जो 50-55 के होते हैं। तो यू कम टू मीट यंग पीपल, यंगर जनरेशन, एंड यंगर जनरेशन से मिलना जुलना बहुत जरूरी है। अगर हम यंगर जनरेशन से मिले नहीं तो अवर माइंड कैन बिकम ए वन साइडेड माइंड, वन ट्रैक माइंड, वी विल नेवर बी एबल टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। पिछले बार मैंने ये एक स्पीच में मैंने कहा था SMS के बारे में, याद है कुछ लोगों को, भूल गया सब लोग, मैंने SMS के बारे में कहा था, बहुत सारे लोग भूल गए। इसका मतलब क्या है, तो जो आदमी बोलता है सब सुनते हैं, सुनने के बाद उसको कोई याद नहीं रहता, होता है ये, उनको मालूम है ये सुनने से कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं, जबकि क्लास में जो पढ़ाती है टीचर वो तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम है, एग्जाम में लिखना है, लिखने से नंबर आएंगे, डजंट मैटर। मेरा ये कहना है, यू नो, यहाँ आने के पहले मैं सोचा था क्या बोलूं बच्चों को, यहाँ बच्चे ही नहीं, बच्चों के माता पिता भी हैं, अध्यापकगण भी हैं, तो कुछ इस प्रकार की चीजें बोलनी चाहिए जो थोड़ा बहुत तो बोर होगा, परंतु वो चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दो बातें कहूंगा मैं, एक थोड़ा सीरियस और एक थोड़ा हल्का सा जो। सीरियस बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ाते, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहने वाला हूं। टीचर्स बोलते हैं यू टू बी अटेंटिव, यू टू बी सिंसियर, यू टू डू दैट, यू डू दैट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग अबाउट दैट। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर बच्चे को अपने लिए एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। तो आज का मेरा जो शब्द है आपके लिए वो है गोल। जब तक आपके जीवन में एक लक्ष्य नहीं होगा, आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपको मालूम नहीं है कि आपकी काबिलियत क्या है, हो सकता है आप 10 किलोमीटर चले, परंतु आपका लक्ष्य होना चाहिए मुझे कहाँ जाना है, वहां जाने के लिए मुझे क्या करना है। तो लक्ष्य बहुत जरूरी है, चाहे बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता हो, चाहे बच्चा 8वीं में हो, चाहे 10वीं में हो या 12वीं में हो। जब तक आपके पास एक लक्ष्य नहीं है, एक गोल नहीं है, आप पढ़ते रहेंगे परंतु आपको यह नहीं मालूम होगा कि तुम्हें करना क्या है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, फुटबॉल के ग्राउंड में अगर गोल पोस्ट नहीं हो तो आप क्या करेंगे, वो बॉल को लेके घूमेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कुछ फायदा नहीं। गोल पोस्ट होना बहुत जरूरी है, गोल होना बहुत जरूरी है, और हर बच्चे को यह जरूरी है कि वो अपना एक लक्ष्य बनाए। और इसके लिए मैं स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर क्षीरसागर जी को भी कहूंगा कि यू शुड थिंक ऑफ ए गोल सेटिंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स। गोल बदल सकते हैं, ये नहीं कि गोल एकदम एकदम ठोस होना चाहिए, बदल सकते हैं, चेंज हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस बदल सकती है, परंतु एक गोल होना बहुत जरूरी है। गोल किसी भी तरह का हो सकता है, यह भी हो सकता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए, हो सकता है ये भी गोल हो, परंतु ये भी गोल होना चाहिए मुझे MS धोनी बनना है, या मुझे PV सिंधु बनना है, या मुझे अब्दुल कलाम जैसा एक साइंटिस्ट बनना है। गोल जब होता है तो बोलते ना, गोल इज लाइक ए ड्रीम, इट्स लाइक ए ड्रीम,
आपको अगर अपना गोल बनाना हो तो गोल क्यों नहीं कोई ऊपर बनाए, कोई ऊंचा बनाए। गोल बनाने में आपको कोई रोक नहीं सकता, वो आपके मन की मर्जी है। तो हर बच्चे से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए। पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये सिर्फ गोल बनाना काफी नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। पर अगर आप गोल बनाएं, अपने पेरेंट्स को बताएं कि मुझे ये करना है, अपने टीचर्स को बताएं कि मुझे यहाँ पहुंचना है, यू विल डेफिनेटली रीच देयर। एज डॉक्टर अब्दुल कलाम बोलते थे, यू एम फॉर द स्टार, यू विल एटलीस्ट रीच अप टू द मून। दैट अभी क्या हुआ, हम मून से भी आगे चले गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, दिस वॉज माय फर्स्ट मैसेज दिस ईयर। आई हैव अ सेकेंड मैसेज। सेकेंड मैसेज थोड़ा सीरियस मैसेज है, वो मैसेज मैं देना चाहता हूं बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, वो है सेफ्टी। सेफ्टी एक इतना इंपॉर्टेंट, एक जरूरी बन गया है आजकल, कि कंपनी के अंदर तो अलग सेफ्टी, अलग डिपार्टमेंट होता है, देखते हैं सब कुछ। परंतु आजकल के बच्चे उस खुशी में, उस उल्लास में, जब बाहर निकलते हैं घर से, जब कोई पिकनिक पर जाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, सेफ्टी का ध्यान नहीं देते, रोड क्रॉस करते हैं ध्यान नहीं देते। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मेरी स्कूल की पढ़ाई आज से करेक्ट 50 साल पहले हुई, 1968 में मैं स्कूल से पास होकर निकला था। पर जब हम स्कूल में पढ़ते थे, पहले टीचर यही समझाते थे हाउ टू क्रॉस ए रोड। आजकल तुझे मुझे पता नहीं करिकुलम में है नहीं है, होगा, परंतु रोड सेफ्टी, हेलमेट के बिना गाड़ी नहीं चलाना, किसी भी जगह जाओ तो बिना ध्यान दिए गाड़ी से उतरना, बस से उतरना, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम, ये कुछ दिन पहले की बात है, मेरे गांव का एक लड़का, 28 साल का लड़का, इंजीनियरिंग पास हुआ, इंजीनियरिंग पास करके विप्रो में जॉब कर रहा था। बेंगलोर से वो केरला के लिए ट्रेन में अपने पिताजी को छोड़ने, पिताजी माताजी को छोड़ने गया, उनको अंदर बिठाया, उतने में गाड़ी चल पड़ी, वो कूदा, कूदकर नीचे सीधा गिरा। 28 साल का लड़का, उसके सारे एक सेकंड के अंदर उसकी पूरी मृत्यु हो गई। व्हाई आई एम सेइंग दिस, हम एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं, जल्दी में कुछ करते हैं, गाड़ी चलाते, तेज चलाते हैं। तो मेरा ये दूसरा रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, डांटिए अपने बच्चों को, दीजिए चाबी मत दीजिए गाड़ी की, अनटिल एंड अनलेस ही बिकम्स डिसिप्लिन एंड ही बिकम्स सेफ्टी कॉन्शियस। बिकॉज चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो ये सेकेंड मैसेज मैं देना चाहता हूँ आज, कि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड। आप पिकनिक पर जाते हैं, तैरना नहीं आता है, दोस्त बोलते हैं आजा भैया, आजा तू भी आजा, पानी में उतरते, ज्यादा तेज नहीं है पानी, ज्यादा नीचे नहीं है पानी, सिर्फ 2 फीट पानी है, 4 फीट पानी है। जब उतर जाता है तो मालूम पड़ता है कि धार इतनी तेज है कि हम संभल नहीं पाए, डूब गए, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, वो भी मर गया। आप देखिए पेपर में, एवरी थर्ड डे यू फाइंड एन एक्सीडेंट इन सम सॉर्ट ऑफ पिकनिक स्पॉट। क्या वो लोग नॉलेजेबल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है? है, परंतु हम लापरवाह है। इसके लिए दूसरा मेरा मैसेज था सेफ्टी के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि आज ये जीके पिल्ले को क्या हो गया, एकदम सीरियस बातें कर रहा है, पहले गोल के बारे में बात किया, दूसरे बार अभी सेफ्टी के बारे में बात किया, तो कुछ मीठी बात हो जाए। अब सीरियस बात खत्म, अब मीठी बात हो जाए। मेरा अभी धीरज ने कुछ 2 मिनट पहले अपने भाषण में उन्होंने कहा था, सीखना, लर्निंग इज अ प्रोसेस, कैन यू स्टॉप लर्निंग? नो। आप देखिए 50-80 साल
कि लोग भी अभी देख रहा था, मेरी मदर इन लॉ अभी उनके 80 साल की है, वो अभी पूरा वो टैब लेकर वो सुबह का जो भजन कीर्तन करती है वो टैब में पढ़ती है। पहले बहुत मुश्किल से चश्मा उसमें लगा कर किताबें पढ़ती थी, किताबें पुरानी हो जाती थी, अब टैब में पढ़ती है। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस विच इज कंटिन्यूस। मैं अभी यही बात मेरी वहीं पे भी हुई थी वर्धमान विद्यालय में, वहां पर भी इन दोनों ने बहुत ट्राई किया कि नहीं आऊं मैं करके, तो बोला एक ही दिन है आपके लिए, दोनों स्कूल में तो आपको आना मुश्किल होगा। तो मैंने कहा, मैं भी कहा पीछे हटने वाला, मैंने कहा दोनों स्कूल में जाऊंगा। 2 बजे वहां गया, 5 बजे इधर आ गया। वहां पर जब मैं गया था, एक बहुत अच्छी बात, वहां के जो कंपेयर थे मास्टर ऑफ सेरेमनी थे, उन्होंने कहा, उनको भी मालूम था मैंने एसएमएस के बारे में कहा था पिछले, उन्होंने कहा आज का जो शब्द है वो है स्वीट, स्वीट मीठा, खाने वाला मीठा नहीं, स्वीट। उन्होंने एक्सप्लेन किया स्कूल के अंदर हमें एक शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वो है स्वीट, स्वीट एस ए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्कूल में होता है, सीखते हैं हमारी जो स्ट्रेंथ है। डब्ल्यू से वीकनेस, हमारी जो वीकनेस है वो स्कूल में यू नो टीचर्स हमारी वीकनेस को हटाने की कोशिश करते हैं, हम उस वीकनेस से हटने की कोशिश करते हैं। तीसरा शब्द है ई, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी मिलती है स्कूल के अंदर यू नो, जब आजकल देख बच्चे देखे स्कूल जाना जल्दी आ जाता, उनको तबीयत में बुखार भी होगा तो भी बोले मुझे स्कूल जाना है, तो एक एनर्जी आती है स्कूल में, स्कूल में पढ़ते हैं। वो जो प्रेसिडेंट, स्कूल के प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी अपने स्पीच में कहा था कि स्कूल में जो एक अलग सा उल्लास होता, अलग सा एनर्जी आती है। दूसरा एक और ई है एफिशिएंसी या एक्सलेंस, दोनों ई है। यहां आजकल के जमाने में बिना एक्सलेंस के जीने में कोई फायदा नहीं। आप किसी भी प्रोग्राम में देखिए, आजकल बहुत सारे प्रोग्राम टीवी में होते रहते हैं, कोई झलक दिखला जाए पता नहीं, कोई गाने का होता है, ये डांस का होता है, बच्चे देखते हैं आप 4-4 साल के बच्चे इस प्रकार गाते हैं, हम तो कुछ यू नो यू आर रियली सरप्राइज। तो एक्सलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्वीट का एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एक्सलेंस, और मेरे ख्याल से जल्दी में वो टी के बारे में बोलना भूल गए, या टैलेंट वो बोलना भूल गए, कुत्ते में चले गए वो, टी बोले नहीं एस डब्ल्यू ई बोल दिया, मुझे मौका मिल गया उसको बढ़ाने का। तो अभी की बात है 2-3 घंटे पहले, तो जब मैंने लोगों से कहा कि क्या पढ़ा तुमने आज के जो टीचर ने बोला स्वीट के बारे में, बड़े खुश हुए सब, बोले ये एस डब्ल्यू ई, टी फॉर टैलेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजी, टी फॉर। तो मैंने उनसे कहा कि आपके जो कुलकर्णी साहब थे, कुलकर्णी टीचर थे, उन्होंने टी इसलिए नहीं बोला कि टी फॉर टैलेंट है या टी फॉर टेक्नोलॉजी है या टी फॉर चाय है, टी फॉर टीचर है। एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, द टी आई सेड शुड बी फॉर टीचर, बिकॉज टीचर कैन मेक द स्टूडेंट एक्नॉलेज एंड नो हिज और हर स्ट्रेंथ, हर वीकनेस, उसको एनर्जी दे सकते हैं टीचर, उसको एक्सलेंट बना सकते हैं टीचर। तो ये जो वर्ड है बहुत मीठा वर्ड है, मीठी चीज है, इस वर्ड को, ये बच्चों के लिए है, इस वर्ड को ध्यान देना। आपको अगर स्वीट होना हो, आपको अगर सक्सेसफुल होना हो, आप में स्ट्रेंथ लाना हो, आप में एनर्जी लाना हो, आपको एक्सलेंट बनना हो, उसके लिए एक ही, द ओनली पर्सन हु कैन मेक यू, हु कैन डेवलप यू टू गेट दिस 4 qualities इन यू इज योर टीचर। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द टीचर्स। हम कई बार अपने टीचर्स को भूल जाते हैं,
पर मैं आपको ये बताना भाई बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि स्कूल के जो टीचर होते हैं वो हम सबके दिल में एक तरह से यू नो समा जाते हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं, परंतु कॉलेज के प्रोफेसर को कोई उतना याद नहीं रखता जितने कि स्कूल के टीचर्स को लोग याद करते हैं। मुझे अभी भी, मैंने कहा ना 1955 में मैं स्कूल गया था पहली बार, पर अभी भी मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड के टीचर की पूरी शक्ल याद है, अभी भी पूरी शक्ल याद है, उनका नाम याद है, उनका जो रंग रूप था, किस प्रकार क्लास में आती थी वो भी याद है। बिकॉज वाई, फाउंडेशन किसी की भी जिंदगी हो या कोई भी इमारत हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका फाउंडेशन, उसका नींव। और नींव आप देखिए, किसी बिल्डिंग की नींव साधारण पत्थर और सीमेंट से होती है, किसी भी बिल्डिंग की नींव। आप थोड़ा उसको डिग करते हैं, 3 फीट, 4 फीट, 15 फीट, डिपेंड कितनी बड़ी बिल्डिंग होती है। बाहर से जब बिल्डिंग दिखता है, आजकल तो देखेंगे कहीं में कुछ अच्छे कांच है, कहीं में कुछ और, में इतने मटेरियल्स आ गए हैं, उसका शेप अलग है, बहुत सुंदर लगता है बिल्डिंग, बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे, मतलब एडवांस बिल्डिंग है, परंतु वो इसी प्रकार है। आप क्वालिफाई करते जाते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, PhD करते हैं, सब कुछ है, परंतु इसी प्रकार उस बिल्डिंग सब कुछ है, 40 मंजिला बिल्डिंग है, 100 मंजिला बिल्डिंग है, परंतु उस 100 मंजिल बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती जब तक उसकी नींव, फाउंडेशन सॉलिड नहीं है। और फाउंडेशन कौन सॉलिड करता है, वही आप देखिए किसी भी बिल्डिंग के, पत्थर होंगे, सीमेंट होंगे, कोई नखरे वाली चीज नहीं होती है फाउंडेशन में, फाउंडेशन में सिर्फ स्ट्रेंथ वाली चीज होती है। और आप लोगों का फाउंडेशन नींव खड़ी करने के लिए प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, मिडिल स्कूल के टीचर्स, हाई स्कूल के टीचर्स ही होते हैं। तो आज का मेरा ये समर्पण सारे स्कूल टीचर्स के लिए है जो आपके फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, और एक बार फिर सारे टीचर्स के लिए जोरदार तालियां हो। जल्दी मुझे है जाने की, परंतु बच्चों के सामने स्कूल में आकर जब बात करने लग जाता हूं तो एक तरह से एक अलग एनर्जी मिलती है, एक भावुकता आ जाता है। तो मैं समय देख रहा था, समय कह रहा है कि भावुक मत होइए, एनर्जी थोड़ा कम करिए, निकलने का टाइम हो रहा है आपको, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों को। जस्ट ये कहना चाहूंगा कि पिछले 3-4 साल से इस स्कूल की जो प्रगति में देख रहा हूं वो वाकई में मुझे बहुत खुश कर देता है। छोटी सी बात देखिए, ऐसा लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रोग्राम हो रहा हो, दो बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, तो ये भी एक तरक्की है। मजाक की बात नहीं, सीरियसली कह रहा हूं मैं, स्कूल में जो तरक्की हो रही है पिछले 3 साल से, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुश है। एक जमाने में यहाँ स्कूल के जो चेयरमैन हुआ करते थे, हमारे जैसे बुजुर्ग लोग होते थे जिनकी 50-60 की उम्र होती थी, तो उनके बच्चे तो स्कूल में पढ़ते नहीं है, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ आपके जो चेयरमैन है धीरज केसकर, उनको जब हमने चेयरमैन बनाया था, उन्होंने कहा हमने कभी इस प्रकार का स्कूल कुछ चलाया नहीं। हमने कहा आप चलाइए, चलाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन व्हाट हैज कम इन द लास्ट 3 years आफ्टर ही टुक ओवर हैज बीन एक्सलेंट। आई एम श्योर यू ऑल विल बी अवेयर, कई बार टफ होना पड़ता है, वो टफ है, टफ नहीं होंगे स्कूल में, अगर टफनेस नहीं आएगा वो ढीला पड़ जाएगा, फिर स्कूल स्कूल नहीं रहेगा, फिर वो घर हो जाएगा। घर में जिस प्रकार ढीले माँ बच्चा रोता हो तो माँ को दया जाती है, स्कूल में अगर बच्चा रोता हो तो उसको डांट पड़ती है, तो वो फर्क आना चाहिए, बहुत जरूरी है। और आई एम रियली हैप्पी
that Dheeraj Kesar has brought a lot of discipline, lot of improvement. ये तो अच्छा है, मैं यहाँ कोट पहन के आया. मैं यहाँ सोच रहा था क्या पे कोट पहनूँ नहीं पहनूँ. अच्छा होगा पहन के आया. देखो तो सारे टीचर यहाँ कोट पर है. सारे टीचर सब छुपे हुए यहाँ पे, देखेंगे उनको बाद में. सब ब्लेजर में है. तो मैंने पूछा ये ब्लेजर, बोले हाँ इस साल से स्कूल में सभी टीचर्स को एज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म ब्लेजर दिया गया. सी दिस इज ऑल इम्प्रूवमेंट. पुणे के या मुंबई के किसी स्कूल से क्या हमारा ये BCA स्कूल कम है? नहीं. तो इन सब के लिए तीन लोग इम्पोर्टेंट थे. सबसे पहले टीचर्स, उसके बाद पेरेंट्स और आखिर में बच्चे. तो आज के इस एनुअल सोशल 2018 आप सबको मैं अपनी ओर से वाल्सन नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर के ये जो ट्रायंगल है, जैसे हमारे वो वीडियोग्राफर साहब ने भी वो ट्राईपॉड बना रखा है जिस पर तीन पैर है. तो एक पैर पे स्कूल के बच्चे, एक पैर पे स्कूल के टीचर्स और तीसरे पैर पे पेरेंट्स. तो तीनों को मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर. इस वर्ष जो 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी है, एग्ज़ाम से उनके अगले मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर उनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि वो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो. आखिर में 2018 के लिए सिर्फ एक हफ्ता और बाकी है. 2019 हम सभी लोगों के लिए एक तरह से एक खुशहाली का समय आए, ये भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ. जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय वाल्सन नगर.